हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। छोटी बड़ी खबर जो आग की तरह वायरल हो रही है, या कहें कि टीवी इंडस्ट्री की टॉप 5 खबरें ऐसी जिन्हें जो हैं फैंस काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं या फिर उन्हें देखकर शॉक में भी हैं और खुशी में भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी प्यारी सी हिना खान और जो है मुनावर फारूकी की। ये तो आपको पता ही है कि उनकी म्यूजिक वीडियो शूटिंग कोलकाता में हो रही है, लेकिन जब उनकी पिक सामने आई तो फैंस ने उन्हें ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया। ये पिक देखकर लग रहा है कि जो है हीरा खान का लुक कोमलिका जैसा कोलकाता का लुक दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा चमेली टाइप का रूप भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में जब दोनों को एक साथ देखा गया तो कहा क्या बिग बॉस मचने वाला है। ऐसे में अब बात करते हैं युक्ति कपूर की, जो कि टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्टर्स में गिनी जाती हैं, कह दूँ तुम्हें जैसे शो में नज़र आई थी। अब उनके हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, आसमस फिल्म, जहाँ पे बिहू अटैक पर वो मेन रोल में नज़र आने वाली हैं। ऐसे में फैंस ने उन्हें जमकर बधाई दी जैसे ही फैंस को पता चला। फिर आती है आपकी नेक्स्ट न्यूज़ की, वो है आपके हर्षद अरोड़ा, जिन्हें आप जो है देख चुके हैं गुम है किसी के प्यार में फर्स्ट सीजन में साईं के पति का रोल करते हुए, या ये कहें डॉक्टर बाबू का रोल करते हुए। ऐसे में जो है ये आज सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। वजह है कि भाई इनकी सगाई हो गई है, ये इंगेज हो गए हैं, वो किसी और के साथ नहीं है, वो नागिन की एक्ट्रेस है। अब नागिन की एक्ट्रेस का नाम तो आपको पता ही होगा, प्यारी सी राजपूत है, यानी कि प्यारी सी मुस्कान राजपूत के साथ इनकी ये क्लिप ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रही है। फिर बात करते हैं आपकी प्यारी सुरभि चन्ना की, जिनकी शादी जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे जो है वो सोशल मीडिया में आए दिन ट्विटर पे छाई रहती हैं। वैलेंटाइन डे के दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में छाई हुई थी, उसी के बीच में उनकी एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जहाँ पे उन्होंने अपने होने वाले पति के साथ वैलेंटाइन डे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया और मीडिया के सामने ये भी कहा, यार जो है लिपस्टिक हट गई है और आज मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, मेरी पिक मत लो। तो ऐसे में उन्होंने कहा लिपस्टिक, तो उन्होंने कहा गलत मतलब मत निकालना, क्योंकि आज जो है जब खाना खाने आए थे तो लिपस्टिक खाते खाते उतर गई। अब बात आती है आपकी सबसे बड़ी खबर की, वो है आपकी रश्मि देसाई। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्टर्स हैं, या कहें कि फैंस इन्हें देखकर चेहरे पर खुद खुशी आ जाती है। ऐसे में जो है जब कहते हैं ना खुशी चेहरे पे खुद आ जाए तो इन्हें याद कर लिया जाता है, ऐसे में जो है इन्होंने एक बॉलीवुड के जाने माने सितारे पर एक्शन लिया है। वो कोई और नहीं है, वो है आपके प्यारे से रणवीर सिंह, जिन्हें आप जो हैं एक ऐड उन्होंने शूट किया है और काफ़ी ज़्यादा वो ऐड वायरल हो रहा है। उसी के बीच में उन्होंने कहा कि जो जॉनी सिंह और रणवीर सिंह का ऐड है वो साफ झलक रहा है कि टीवी सितारों को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, या टीवी सितारों की इमेज कैसी बनाई जा रही है। ऐसे में फैंस ने ये भी कहा शायद रश्मि इस ऐड में होने वाली थी, अचानक से ये ऐड कैंसिल कर दिया, इसी वजह से शायद वो सोशल मीडिया में इस तरह का मैसेज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया में टीवी सितारों को लेकर कुछ इतना बड़ा जो है लिखा कि टीवी सितारों के साथ इस तरह का मजाक क्यों किया जाता है, हमेशा बॉलीवुड वाले सितारे टीवी सितारों के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं और इस तरह के ऐड को बनाकर। ऐसे में जो है आज जो है चिंगारी उठी है, जिसमें रश्मि देसाई ने सबसे पहले कदम उठाया, आज दूसरा कदम सुधांशु पांडे ने भी उठाया, जहां पर रणवीर सिंह के ऐड और जॉनी सिंह के ऐड को देखकर जो है कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा कि टीवी सितारों को किस तरह नज़रिए से देखा जाता है। तो ये है वो टॉप 5 बड़ी खबर, सबसे पहले सुरभि चन्ना की थी, फिर आपकी रश्मि की थी, फिर हिना खान की थी मुनावर की, फिर हर्षद की, और फिर आपकी युक्ति की। ये है आपकी टॉप छोटी बड़ी खबर। इनमें से आपकी फेवरेट न्यूज़ कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।